सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के इस अवसर पर ISLRTC के सभी कर्मचारीगण एवं सभी छात्रों विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश पर ISLRTC भी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन कर रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को आता है, तो उसके उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है। नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए यह जागरूकता सप्ताह हमारी प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। इस वर्ष यानी 2020 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है और जिसका थीम है इस बार सतर्क भारत समृद्ध भारत, ये इस बार का विषय है यानी थीम है। तो मैं यहाँ पर हरीश सर से गुजारिश करूंगा कि वो हम सबको एक, हम सभी स्टाफ को और स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को एक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलवाएं। तो जो हमारे श्रवण स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं डिस्ली के, वो हरीश सर को फॉलो करेंगे। पहले वो प्रतिज्ञा बोलेंगे और उसके पीछे से हमको दोहराना है। और जो हमारे डेफ स्टूडेंट्स और डेफ स्टाफ हैं वो हमारे इंटरप्रेटर को फॉलो करेंगे, साइन लैंग्वेज में वो करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ हरीश सर से कि आप सभी हमारे ISLRTC के परिवार को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलवाएं। धन्यवाद। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत लूंगा, और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में, ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की, रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद। ठीक है, इसी के साथ प्रतिज्ञा पूरी होती है। वोट ऑफ थैंक्स के लिए खुशबू, खुशबू सबको धन्यवाद दे दे एक बार फिर से। थैंक यू सर, हरीश सर, अभिषेक सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही हम बहुत सीमित साधनों के होते हुए हमने ये आज का जो ओथ है वो पूरा किया। मतलब इससे हम दर्शाते हैं कि हम भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और जहां बात आती है सतर्कता की, ईमानदारी की, तो हम नागरिक भी उसमें पीछे नहीं है। और ऐसी शपथ लेने लेकर हम सभी स्टूडेंट भी इस चीज का उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस ओथ के साथ में अपने जीवन में, अपने काम में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको फॉलो करेंगे और एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। इसी के साथ, धन्यवाद के साथ, मैं आप सभी को आज का प्रोग्राम यहाँ खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।